हिंदुस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों को इस बात को समझना होगा कि नो वन से वन की यात्रा, नो वन एनओ ओ एन ई वन डीओ डब्ल्यू ओ एन, नो वन से वन की यात्रा, शून्य से शिखर तक की यात्रा। और आप जानते हैं सूरज जब ढलता है तो लाल रंग का होता है। शून्य से शिखर तक की यात्रा, जी हां, जीत की होली बीजेपी खेल रही है। आपको बता दें कि स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ पीयूष पंत साहब मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, एके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, साथ साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा की ओर से शशिकांत तिवारी साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पीयूष जी आपके पास आना चाहेंगे, शून्य से शिखर का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं और लगातार इस जीत के बाद एक के बाद एक ट्वीट और ट्वीट आने के साथ सीधा उनका कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, इसके नतीजों के मायने क्या हैं, और वो भी तब जब मोदी सरकार के काम पर मोहर कही जा रही है जैसे कि बीजेपी नेता कह रहे हैं, आपकी राय? नहीं देखिए, जीत तो है, निश्चित रूप से जीत है, जो जहां शून्य थी, इनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी, लगभग 1.5-2% इनका वोट बैंक था वहां पे पिछले चुनाव में, उसको जो वो लेके आज इतनी सीटें लेके आना तो एक बड़ी बात है ये। लेकिन इसमें भाजपा का अगर हम पूरा आप देखिए वोट परसेंटेज जितना जितना मिला है इन्हें और उसमें किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो भाजपा को सिर्फ जो है 2.5% के करीब जो है वो वोट जनता ने दिया है भाजपा के पक्ष में। बाकी कांग्रेस ने जो ज़मीन छोड़ी भाजपा के लिए त्रिपुरा में, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो सारा का सारा वोट बैंक जो है कांग्रेस का वो जो है भाजपा लेके चली गई। जिस तरह से आपको याद होगा कि 2015 में जो दिल्ली में चुनाव विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का पूरा पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी ले गई थी और 67 सीटें ले आई थी। वही कमोवेश वही स्थिति आज जो है त्रिपुरा में हुई है, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक था पिछली बार लगभग ये 36% इनका वोट बैंक, इनको वोट मिला था फीसदी कांग्रेस को, वो जो घट के इस बार करीब जो है 1.5-2% के करीब हो गया है। तो पूरा का पूरा वो चंक जो वोट है वो भाजपा लेके उड़ गई है। वो तो भाजपा तो कह रही, लेकिन भाजपा को अपना उसके पक्ष में नहीं मिला है, जो कांग्रेस की रिक्तता है, जो कांग्रेस ने वहां पे दम नहीं लगाया, लगभग जो ये वहां के जो भी वहां के डेवलपमेंट देखे और जो कैंपेनिंग के दौरान देखा गया, कांग्रेस ने लगभग छोड़ दिया था मैदान। वहां के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये कहा कि भाई जो है कि हमें ना लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो लगभग मैदान छोड़ चुकी थी, उसको भाजपा ने भर दिया है। और उसमें बहुत से फैक्टर, देखिए विकास की तो बात सिर्फ भाजपा करती है, उसमें धर्म का होता है। अब जैसे ये योगी आदित्य शुरू में जो है भाजपा को बहुत मुश्किल लग रहा था वहाँ चुनाव जीत पाना, वो फिर जो है कि धर्म आस्था, जो बांग्लादेश से लोग हिंदू वहाँ आए हैं उनको, और जो है जैसे नाथ संप्रदाय के बहुत से जो वहाँ पे बंगाली लोग हैं जो वहां से आए हैं, उनको प्रभावित करने के लिए, उनको लामबंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ को ले जाया गया वहां पे। तो बहुत से फैक्टर है, देखिए विकास के अलावा सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करती है, और उस तरह से कांग्रेस के बहुत से हैं जो पहले टीएमसी में गए, फिर तृणमूल छोड़ के, जो उनको लगा कि अब तृणमूल का भी भविष्य नहीं है तो भाजपा में चले गए। तो ईंट और रोड़ा जोड़ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य होता है किसी तरह जो है जीत के सरकार बनाना, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, तो ये उसका उद्देश्य होता है। वही हमने देखा आज की जो है कि इसमें जो है आप कह रहे हैं कि सब लेफ्ट का, तो 7% जो गिरावट आई है उसमें वो, लेकिन कांग्रेस की बहुत गिरावट है, इसका फायदा भाजपा को मिला है। भाजपा के पक्ष में बहुत ज्यादा वोट है नहीं, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात है, आप चाहे नागालैंड ले लीजिए, चाहे आप जो है जो है मेघालय ले लीजिए, वहां पे उतना उसको मिला नहीं है, क्योंकि सारे कहीं पे पार्टनरशिप में किसी के साथ है। त्रिपुरा में भी आपने जो है ट्राइबल जो सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ आपने जो अलायंस किया, बताइए आप, बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक राष्ट्र एक देश, एक राष्ट्र एक संस्कृति, सब कुछ की बात करते हैं, एक राष्ट्र कहाँ गया? आप जो सेपरेटिस्ट हैं उनसे आप बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट हैं उन पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो टॉप सेपरेटिस्ट हैं उनको वही फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं उन पर आप जांच बैठाते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं। तो ये चरित्र हो गया है, चेहरा चाल चरित्र वाली बात करने वाली, तो सत्ता इनका एकमात्र उद्देश्य है भाजपा का किसी भी तरह सारे राज्यों में कब्जा कर लेना, और उसके बाद जो है इस देश को संविधान को परिवर्तन करके वहां पे जो है अपना संघ का जो संविधान लागू करना। ठीक, एके मिश्रा साहब जी, ममता क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटे तब बार बार लेफ्ट की राजनीति का जिक्र यहां पर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इतिहास में त्रिपुरा हो, पश्चिम बंगाल हो, ये
एक महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं लेफ्ट की राजनीति के। और ममता ने जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का किला ढाया था, इससे पहले, क्योंकि लेफ्ट के किले को भेदने का काम वहीं से हुआ था, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो है तृणमूल कांग्रेस तब उस वक्त सामने लाए, और उसके बाद 2009 का जिक्र यहां पर मैं कर रहा हूं, तब लोकसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन था। यूपीए ने पहली बार जो है 5 दशकों से सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले वाम दलों को शिकस्त दी थी यहां पर, मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। मगर अब ये झटका इसे कहा जाए, ये मान लिया जाए कि लेफ्ट की राजनीति देश से खत्म होने की कगार पर है? नहीं, 101% मैं इस बात से सहमत हूं। देखिए, अगर इसको थोड़ा सा इलाबोरेट किया जाए तो परिवर्तन या नूतनता हमारी सभ्यता का, हमारे समाज का और इस प्रकृति का नियम है। लेफ्ट के साथ जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है आइडियोलॉजिकल, कि उनके आइडियोलॉजिकल जो भी उनकी फिलॉसफी है, जो भी उनका संगठन है, उसका मोडस ऑपरेंडी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नाम की मुझे कोई चीज़ नहीं दिखती है। वो बहुत रिजिड रहे हैं, जबकि जिंदगी या कोई भी ऐसी चीज़ नाम यह है कि मतलब समय के हिसाब से आप अपने अनुसार को ढाल लीजिए, आप अपनी नीतियों को चेंज कर दीजिए। बिगेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए, मार्क्सवादी जितनी भी आइडियोलॉजी थी पूरी दुनिया से गायब हो गई, रशिया टूट गया, चाइना ने भी 50% मतलब उन आइडियोलॉजी को पकड़े रखा और 50% उन्होंने जो है इकोनॉमी को अपना ओपन कर दिया, मतलब पैसों की तरफ ये लोग भी भागना शुरू हुए क्योंकि जिंदगी की जरूरतें होती हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो वहां पे ढहा, देखिए इसके 2-3 रीजन होते हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने क्यों हराया, 30-35 साल से वो कॉन्टिन्यूस वहां पे थे। मानव स्वभाव अगर देखा जाए तो 35 साल तक आपकी सेम फिलॉसफी है, सेम नेता है, सेम वादे, सेम इरादे हर इलेक्शन में। मोनोटोनस नेचर से आदमी ऊब जाता है, वोटर भी ऊब जाते हैं और आपके जो वर्कर हैं वो खुद भी इनएक्टिव हो जाते हैं। कोई एक फिल्म बार बार आप देखोगे, कोई एक गाना कितनी बार आप सुनोगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। भाजपा की जीत जो अभी ये 2 स्टेट्स में हुई है, 1.5% 2% था, वहां से इतना बड़ा जंप लेने के लिए, देखिए इसका पॉलिटिकल क्या है वो डिफरेंट है, लेकिन इलेक्शन अगर कोई लड़ता है तो वो जीतने के लिए ही लड़ता है। और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सारे रास्ते जो है अख्तियार करने के लिए सब लोगों को संवैधानिक दायरे में, लीगल वे में, इलीगल वे में नहीं, सब लोग करते हैं। और टाइम टू टाइम पे कांग्रेस ने भी किया, सभी ने किया। यहाँ पे जीत 2 फैक्टर के कारण हुई है, जिससे कि आपको लग रहा है कि ये मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट पार्टी, ये आइडियोलॉजी वहां पे जो ढह रही है, जो आपने बोला है। पहली चीज ये होती है कि नेचुरल इन्वायरमेंट कितना फेवर में था, इसको मैं आपको बता दूं, 20-25 साल से अगर एक ही चीज है तो मोनोटोनस नेचर था, पब्लिक भी वहां पे एकदम ऊब चुकी थी, सेम टाइप के नेता थे, सेम वादे इरादे, बार बार वही जाते थे, कुछ वो नया नहीं कर पाए, जिसके कारण एक बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल और पब्लिक वहां पे एक उबन जैसी होती है। यहाँ त्रिपुरा का जहां पर जिक्र है, एके मिश्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी, 2013 के विधानसभा चुनाव त्रिपुरा बीजेपी यहाँ पर खाता तक नहीं खोल पाई, मैं पिछले चुनाव का जिक्र कर रहा हूँ, और हालात ये थे कि 50 उम्मीदवार तो उतारे गए थे, उनमें से 49 की जमानत तक जब्त हो गई थी, महज 1 या 1.5% के आसपास जो है उसको वोट मिले थे उस वक्त। लेफ्ट 50 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी, मगर आज की स्थिति बिल्कुल जुदा है। अब भी आप मानेंगे कि बीजेपी की रणनीतिक ताकत नहीं दिखाई देती यहां? देखिए, फिर से मैं आपसे वही बात कर रहा हूं तिलक भाई, मैं त्रिपुरा की जीत की बधाई दे रहा हूं। पीयूष पंत जी ने बहुत ही सम्यक बात कांग्रेस के संगठन या कांग्रेस की जो दिक्कत है, कांग्रेस के वोट बैंक है, सब बातें कह दी हैं। मैं उनसे भी सहमत हूं कांग्रेसी होते हुए भी, जबकि मुझे उसका बचाव करना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं कि जहां हमारी संगठनात्मक कमजोरी है, हम अंदर बैठ करके बात करेंगे, एक बात। दूसरी बात, लोकतंत्र में जीत बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरीके से जीत, येन केन प्रकारेण अगर जीत करनी है तो वो देर से सही लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डालती है। आज त्रिपुरा में भाजपा की जीत हुई है, बधाई के पात्र हैं। आगे आने वाले दिनों में जो हमारे एप्रिहेंशन अब्दुल हफीज गांधी साहब ने, पीयूष पंत साहब ने या सारी चुन लोगों ने कहे हैं, वो आने वाले दिनों में वो देखे जाएंगे कि राष्ट्र तोड़क ताकतों के साथ आप खड़े होकर के कैसे राष्ट्र को जोड़ने की बात करेंगे। पीडीपी के साथ बना करके आप चूक रही है, रणनीतिक कमजोरी रही है, बिल्कुल निश्चित तौर पर रणनीतिक जो भी कमजोरियां रही हैं, हम अपने वर्किंग कमेटी में उसकी चर्चा करेंगे, क्यों नहीं भाई। अगर हम शून्य पे आए हैं, हम हार गए हैं, तो अगर रणनीतिक कमजोरी नहीं होगी तो हम जीत जाते, तो क्या हम ये तो खुद ही मान रहे हैं कि वो रणनीतिक कमजोरी आला कमान गंभीर नहीं था।
ये फिर से मैं आपसे बताऊं कि आला कमान हमारा पूरी तरीके से गंभीर था, आला कमान की गंभीरता में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आला कमान गंभीर नहीं होता तो हम लोग चुनाव क्यों लड़ते। यहाँ पर आला कमान के ऊपर नहीं, लोकल लीडरशिप जो हमारी है, जिस तरीके से वहां से हमारी पोचिंग हुई है, आज मैं आपको, मैं तो कहना नहीं चाहता था क्योंकि आज त्रिपुरा में भाजपा की जीत हुई है, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 60% जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस के या तृणमूल कांग्रेस के एमएलए या उनके नेता हैं, कोई भी भाजपा का नेता नहीं है उनमें से। ये अपने आप में एक सच है। इस सच से रूबरू हमें नहीं होना है, इस सच से रूबरू भाजपा को होना है। नहीं, नहीं, लेकिन हमारे मित्र और आज की डेट में हमारे लोग अगर ये सिर्फ मानने लगे किसी भी तरीके से लोकतंत्र में सिर्फ जीत ही महत्वपूर्ण है, तो भगवान बचाए ऐसी उससे। शशिकांत तिवारी, अगर इस बात का क्या कह रहे हैं आप सर, अगर आपके घर की कमजोरी का फायदा वो उठाते हैं तो फिर ये आपके घर की रणनीतिक चूक कहेंगे इसे। एक बड़ा पुराना शेर था, इसको आप भी सुन लीजिए और मिश्रा जी भी सुन लें कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे हवा का तेज है झोंका और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज की डेट में अगर किस तरीके से पोचिंग करके लोकतंत्र का अपहरण किया जाएगा तो आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का अपहरण कर रही है, कल दूसरी पार्टियां लोकतंत्र का अपहरण करेंगी, उसमें ना आप बच पाएंगे ना हम बच पाएंगे। आपके इस शेर से मेरा क्या संबंध है? ठीक है, एक सेकंड, शशिकांत तिवारी, अरे आप, नहीं नहीं सर, आपका कोई संबंध नहीं है। आपने मिश्रा साहब एक बात कही थी ना कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार से जीत ही सब कुछ है। हम सब कुछ करके जीत नहीं करते, अगर सब कुछ करके जीत कर रहे होते तो हमने भी जाति और धर्म की राजनीति की नहीं, मैं जाति और धर्म की राजनीति पर नहीं जाऊंगा। इतिहास के पन्ने पलटेंगे, किसने कितनी धर्म और की राजनीति की है वो सब जानते हैं। एक सेकंड, शशिकांत साहब, जीत को लेकर इतने ज्यादा खुश हैं आप लोग, और 2019 पर इसका असर क्यों पड़ेगा ये समझाइएगा जरा। हाँ, मैं 19 पे समझाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा पंत जी और राजपूत जी की बातों पे एक एक लाइन कहना चाहूंगा। पंत जी ने कहा कि वहां सेपरेटिस्ट पैदा हो गए, ये आप याद करिए 25-30 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी पूरे देश में, तो उसी समय असम के आंदोलन से पूर्वोत्तर राज्यों में छोटे छोटे जो पार्टियां पैदा हुई, तो वो कांग्रेस की देन है कि उत्तर पूर्व राज्यों में इस तरह के सेपरेटिस्ट लोग पैदा हुए, इनके नीतियों के कारण पैदा हुए, जिसका आज जो है राष्ट्रीय मूल स्वरूप में वो लोग आने को पूरा तैयार हैं। दूसरी बात कि ये जो शेर पढ़ रहे हैं हमारे कांग्रेस के नहीं, वो तो अलग सेपरेट, वो तो सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, वो तो सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, सेपरेट त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। अब सब मुख्य धारा में आ गए, सब मुख्य धारा में आ गए, सेना अध्यक्ष ने एक बयान दिया था हाल ही में, याद है आपको शशिकांत तिवारी साहब, सेना अध्यक्ष ने एक बयान दिया था हाल ही में, याद है आपको? किसने? सेना अध्यक्ष ने एक बयान दिया था और किस तरह से घुसपैठियों को लेकर सर, पूरी बात कर लेंगे, मैं सेना अध्यक्ष से बात करूंगा, पहले आप जीत पे आइए, सर मैं जीत पर ही आ रहा हूं। तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, अब बेचारे, देखो भाई, इनको शेर कहने दीजिए, और शेर कहने के अलावा पूरे देश में कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि लेफ्ट पार्टी जो हिंदुस्तान में कभी हुआ करती थी, अब तो उनका उन्मूलन हो गया, वो खत्म हो गए, और लेफ्ट पार्टियों के जगह जो 2-4 राज्य लेफ्ट के पास होते थे, आज कांग्रेस वैसे 2-3 राज्य लेकर के लेफ्ट की जगह कांग्रेस ने ले लिया है, मुबारक हो उनको। और उनके ये नेता की बात करते हैं, उनके सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं पूरे देश से, ये किसको किसको कोसेंगे? मतदाता को कोसेंगे कि अपने नेता को कोसेंगे? शशिकांत तिवारी साहब कर रहे हैं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक सेकंड, पूरा एक सेकंड, पूरे में पूरे कांग्रेस के नेता, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी में शशिकांत तिवारी साहब, आराम से सर, आराम से मुझे एक बात बताइए कि योगी जी वहां पर प्रचार करने क्यों गए थे, आप समझा सकते हैं? ऐसा कौन सा विजन लेकर गए थे वो? मैं समझाता हूँ, बताइए, मैं समझाता हूँ, क्यों नहीं जाएंगे? मैंने ये नहीं कहा क्यों नहीं जाएंगे, सर चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? वो कौन सा, मैं समझाता हूँ, वो कौन सा अस्त्र लेकर जाते हैं,
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, देश के लोकप्रिय नेता हैं, उत्तर त्रिपुरा में गए थे। त्रिपुरा में जो हमारे मतदाता हैं, हमारे देखिए केंद्र के सभी मंत्री कार्यकर्ता के नाते, सभी मुख्यमंत्री कार्यकर्ता के नाते जिन राज्यों में चुनाव होता है जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? किसी से पूछ के जाएंगे? कांग्रेस से पूछ के जाएंगे? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाएंगे, आप लोग जाएंगे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो कौन सा अस्त्र लेकर जाते हैं। केरल में उनकी रैलियों पर रैलियां हो रही है, त्रिपुरा में जो है वो रैली करते हैं, वो कौन सा अस्त्र है, वो कौन सा विजन है जो समझाते हैं? वो मुझे समझाइए ना सर। विकास का अस्त्र है, विकास का अस्त्र है जो आप समझाते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है। यही विजन, यही विजन आप नहीं समझा पा रहे। उत्तर पूर्व के लोगों, अब आपका भी विकास का रास्ता खुल गया है, ये योगी जी समझाने गए हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात थे 15-20 साल जो सरकारें यहाँ राज करती थी, आज किस तरह हालात बदले हैं, यही समझाने जाते हैं। यही समझाने उत्तर पूर्व में गए थे। केरल की रैलियां उठाइए और फिर देखिए मुख्यमंत्री की क्या समझाते हैं वहां पर। त्रिपुरा की रैलियां उठाइए, फिर समझ आएगा आपको क्या समझाया उन्होंने वहां पर। जो एजेंडे पर आप चल रहे हैं उसी एजेंडे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश है। ठीक है अब्दुल हफीज गांधी साहब, एक सेकंड अब्दुल हफीज गांधी साहब, 2019 का जिक्र बार बार अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में जहां पर बीजेपी की यही आक्रामक रणनीति रहेगी अकेले दम पर जीत हासिल कर पाएंगे, जहां पर कांग्रेस को साथ बैठाने को आप लोग तैयार नहीं हो रहे? देखिए हम पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं और अभी जो चुनाव हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं 3 राज्यों के, लेकिन अगर आप लोकसभा सीट वाइज जाएंगे तो बहुत कम है, यानी कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। आप पूरे देश भर में देखिए अभी तक 15 से लेकर 20 तक उपचुनाव हुए हैं पूरे देश के अंदर और ज्यादातर उपचुनावों में बीजेपी हारी है, तो वो भी संकेत लेना चाहिए। यानी अक्रॉस दिस अगर आप नेशन देखेंगे, भारतवर्ष में देखेंगे, तो बीजेपी के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं रुझान निकल कर आ रहा है, एक बात ये। दूसरी बात देखिए, बार बार वो मूल्यों की बात निकल कर आ रही है। बीजेपी जो तुष्टिकरण की बात करती थी कि जो है दूसरी पार्टी तुष्टिकरण कर रही है, आप नागालैंड में उठाकर देखिए बीजेपी ने क्या वादा किया कि हम आपको जो है रोम की विजिट कराएंगे, और पूरा का पूरा वादा वहां पर तुष्टिकरण का जो है कर कर आते हैं। आप ये देखिए कि लेफ्ट फ्रंट जो है, यानी कि जो लेफ्ट के कार्यकर्ता है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका मुकाबला करने के लिए जो बीजेपी का आइडियोलॉजिकल पेरेंट है, यानी आरएसएस, जिसको मैं सांस्कृतिक संगठन नहीं मानता हूं बल्कि पॉलिटिकल संगठन मानता हूं, क्योंकि बीजेपी के जाने से पहले वहां पर जमीन तैयार करते हैं। पिछले 2 साल से आरएसएस जो है त्रिपुरा के अंदर काम कर रही है और पूरा का पूरा जो है। सर एक सेकंड मैंने इसलिए ये बात कही, आप पार्टी के बुद्धिजीवी चेहरों में से एक हैं, मैंने इसलिए ये जिक्र किया क्योंकि यही आक्रामक रणनीति और ज्यादा धार देगी 2019 में या 2018 की आखिर में। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव कैसे सामना करेंगे, और वो भी यूपी जैसे बड़े राज्य का, जहां से सत्ता का, दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। तब भी आप लोगों को कांग्रेस की जरूरत नहीं, भले ही ममता जी के साथ जाकर जो है आप लोग रिश्ते मधुर कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कांग्रेस की जरूरत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भी जहां पर रणनीति लिहाज से जो है ये 20 साबित हो रहे हैं। देखिए तिलक जी, हम पहले भी आपके चैनल पर कह चुके हैं कि एक लार्जर पॉलिटिकल अलायंस बनाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं और हम ये देख रहे हैं उसकी जो संभावना है, वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज, जो हो सकती है वो पूरी की पूरी संभावना तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी जानते हैं कि चैलेंज है देश के सामने, चैलेंज इसलिए है कि जो भी एक जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है वो हमको लड़नी है, एक जो संविधान को बचाने की लड़ाई है वो लड़नी है, और जो संवैधानिक संस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर की हैं उनकी भी लड़ाई जो है हमको लड़नी है। और इसलिए जो है लाइक माइंडेड पार्टीज और जो एक लार्जर अलायंस बनाने की हमारी पार्टी बात करती है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और 2019 तक हम इसमें कामयाब भी होंगे। उपचुनाव तक के लिए मैं मानता हूं कि आप लोग साथ नहीं खड़े हो पाते, और लोकसभा चुनाव का जिक्र आप कर रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपको अपने आप को मजबूत करने का वक्त आया, तब आप लोग साथ नहीं खड़े हो पाए। देखिए बिल्कुल तिलक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ कई बार राजनीतिक इस तरह की मजबूरियां हैं, लेकिन हमारा अभी भी प्रयास है कि हम जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो संविधान को बचाना चाहती है, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई में इंटरेस्टेड है, जो पूरा का पूरा जो है भारतवर्ष का जो आइडिया है जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, और जो हमारी भारत की संस्कृति रही है उसको बचाने की जो लड़ाई में इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, हम उनका साथ लेंगे और एक लार्जर अलायंस के साथ 2019 में आएंगे। आप तो देश की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यही तो रुख रहने वाला है। अभी शशिकांत तिवारी साहब ये नहीं समझा पाए कि हमारे मुख्यमंत्री त्रिपुरा में जाकर क्या प्रचार में कहते हैं या फिर केरल में जाकर क्या कहते हैं। ये रुख तो और ज्यादा आक्रामक होगा 2019 में, यहाँ महागठबंधन का जिक्र करते हैं, यहाँ स्वार्थ हावी होता है राजनीति पर, कैसे कर पाएंगे ये लोग?
हाँ निश्चित रूप से देखिए बहुत बड़ा ये होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि विपक्षी दल भी जो है उसमें एक स्पष्टता है ही नहीं है। मतलब वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हराएं, लेकिन कैसे हराएं और उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, वो कदम उठाने में भी अभी भी हिचकिचा रही है जितने भी विपक्षी दल हैं। तो मुझे लगता है इसके चलते तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे पाएंगे, और लेकिन जनता जो है जरूर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देगी, खासकर उत्तरी भारत की जनता, क्योंकि वो बहुत झेल चुकी है, बहुत ज़्यादा उसको त्रस्त है वो, और उसके परिणाम आप देखिए बाय इलेक्शन में दिखाई देने लगे हैं। लेकिन फिर वही होगा जैसे कि त्रिपुरा में भी आपने देखा, अब योगी आदित्यनाथ जी गए वहाँ विकास की बात की, लेकिन हुआ क्या, अगर वहाँ का आप फुटेज उठा के देख लीजिए, जितने ओबीसी एक तो नाथपंथी जितने हैं बंगाल से आए हुए हैं, क्योंकि ये नाथपंथ के हैं, उनको जो है लामबंद करने के लिए, उन पर प्रभाव डालने के लिए, धर्म का प्रभाव डालने के लिए, दूसरा जितने ओबीसी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने दलितों के साथ किया था, वहाँ इतने ओबीसी अगर आप देखिए वहाँ का फुटेज, तो एक जो है कि धर्मगुरु के माफिक जो है आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, उन्होंने सभा लगाई हुई है, ऊपर बैठे हुए आसन में, नीचे सारे पिछड़े जो है लोग हैं वो बैठे हुए घुटने के बल, और उनको वो जो है प्रवचन दे रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति ये करते हैं, और अयोध्या का मामला देखिए चल ही रहा है, तो अल्टीमेटली विकास की बात करेंगे लेकिन चीज़ें तय होंगी, चुनाव लड़ा जाएगा, अयोध्या गाय और ये सब के बात पे यही सब चलेगा आप देखिएगा, और धर्म को जो है हमेशा, क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हर बात में जो है धर्म, आपने गुजरात में भी देखा धर्म को लेकर आई है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। संदेशा जो है या अंदेशा जो है पीयूष पंत साहब दे रहे हैं, केरल में अब होगा बीजेपी बनाम लेफ्ट, और यहाँ से जो है एक और राजनीतिक संकेत देने की कोशिश। नहीं देखिए बीजेपी का आप देखिए, बीजेपी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेगमेंट वाइज इन्होंने अपने टारगेट वो किए हैं, और इन्होंने अभी जो त्रिपुरा वगैरह किया है तो कहीं ना कहीं त्रिपुरा की इनकी जीत केरल में या कलकत्ता वगैरह में जो और इनके विपक्षी पार्टी हैं उनके मनोबल को तोड़ने में ये बहुत सहायक रहेगा, क्योंकि पार्टी वहाँ पे हार गई, पार्टी का एक धड़ा या एक पर्टिकुलर एक या दो स्टेट का सारा जो वर्क फोर्स है नेता है वो बहुत डिमोरलाइज होंगे। इसका इम्पैक्ट केरल पे 101% जाएगा, आने वाले चुनावों में भी जाएगा, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को पेनेट्रेट करने का, बंगाल को पेनेट्रेट करने का, अपने पैर जमाने का, बीजेपी ने क्यों इसको इतना सीरियसली लिया? सभी लोग बोल रहे हैं कि ये बड़े छोटे छोटे स्टेट हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, बीजेपी दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस सपा, इनकी इनकी यूएसपी क्या है आप ये समझने की कोशिश करिए सर, ये बहुत माइक्रो लेवल पे जाके चीजों को करते हैं। बीजेपी ने ये सीट नहीं जीती है, बीजेपी ने यहाँ पे प्रहार किया है विपक्षी दलों के, स्पेशली कम्युनिस्ट वगैरह लेफ्ट वगैरह जो है उनके मनोबल पे प्रहार किया हुआ है। और जब आदमी देखिए मन के हारे हार मन के जीते जीत, तो बीजेपी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बीजेपी ने इन लोगों को इंगेज कर लिया है और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और हार पे हार मिलते जाने के बाद होता क्या है कि आपकी पार्टी के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं वो इतने उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, फाइनल फाइनल कमेंट 20 सेकंड सबको। एक सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे, मंथन तो होता है, विष भी निकलता है, लेकिन कांग्रेस के भीतर विष पीने को कोई तैयार नहीं होता, यही कमजोरी है? ये आपका अपना मानना है, हमारा आत्ममंथन होगा, हम चाहे विष निकले चाहे अमृत निकले, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं। आज एक चुनाव हारे हैं, कल दो चुनाव जीतेंगे। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हम लोग हारे थे तो पंजाब का चुनाव और गोवा का चुनाव हम लोग जीते थे। इसी तरीके से अगर हम त्रिपुरा का चुनाव हारे हैं तो मेघालय का चुनाव हम लोग जीते हैं। कार्यकर्ता के लेबल पर मीडिया के ग्रुप में बैठ करके ये बता देना बहुत आसान हो जाता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तिलक जी, हर राजनीतिक कार्यकर्ता, हर राजनीतिक पार्टी अपना काम करती है, उसका अपना एक निश्चित पेस होता है। और एक बात का मैं और बता दूं कि आज जो बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व, आज सर, कितने राज्यों में आप सिमट गए उसके बावजूद आप जो बात कह रहे हैं, जो मंथन का जिक्र कर रहे हैं, लोकतंत्र में 1984 में तिलक दो सीटों पर थी भारतीय जनता पार्टी, सर आप 283 पर है, सर आप तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप दो सीटों पर आना चाह रहे हैं क्या? नहीं, अगर जनता देखिए बड़ी स्पष्ट रूप से, जनता हमें जहां रखना चाहेगी हम वहां रहेंगे, जनता की सेवा में हम कमी नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन एक चीज ठीक है फाइनल ये, ये आपका आपका आकलन हो सकता है, और मीडिया का अगर आपका निर्मम आकलन भी हमें धनात्मक ऊर्जा देता है, हम आपके आकलन से हम धनात्मक ऊर्जा पाते हैं, भले जितना भी निर्मम। 20 सेकंड जल्दी से, आप केरल में होगा धर्म की राजनीति केरल में जीतेगी? अब हम
केरल जीतेंगे, हम पश्चिम बंगाल जीतेंगे, हम उड़ीसा जीतेंगे, और आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा था कि 2019, हम 2019 भी जीतेंगे, उसकी ये पूरी झलक आपको ठीक सामने दिखाई दे रही है। ये पूरे देश का इस समय जो योगी जी का फायदा होगा केरल में, केरल में फायदा होगा योगी जी का जाने का? हाँ बिल्कुल होगा, होगा केरल में हम इसी लेफ्ट को हराएंगे, केरल में हम इसी लेफ्ट को उखाड़ फेंकेंगे, और उसके बाद से हम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी जीतेंगे। ठीक है सर, और 2019 भी। गांधी साहब कैसे रोकेंगे इनके विजय रथ को? देखिए मैं समझता हूँ कि इन जो इलेक्शंस हैं इनसे बहुत ज्यादा मायने नहीं निकालने चाहिए, और नेशनल पॉलिटिक्स पे इनके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे वो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सीटें बहुत कम, गोरखपुर में जो चुनाव हो रहा है सीटें बहुत कम। देखिए यदि भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए तिलक जी, यदि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इलेक्शंस को हारने के बाद और बिहार इलेक्शंस को हारने के बाद मोदी जी के परफॉर्मेंस पर वो इंडिकेटर नहीं मानती है, तो बाकी इलेक्शंस को फिर ये क्यों मानते हैं? क्यों कह रहे हैं जो स्टेट में जीत गए तो? पीयूष जी, राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा वाकई में जिसका जिक्र बार बार ये कर रहे हैं? नहीं देखिए, राजनीतिक असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा, एक मैसेज तो जाता ही जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और दूसरी विपक्षी दलों में एक हताशा तो पैदा होती होती है, और कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर जनता किसको किस तरह से अपना जो है एक रिस्पॉन्स दे रही है, तो ये निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इससे हताशा पैदा हो, क्योंकि जो सरकार ने जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसने 4.5 साल में क्या किया है, कितना फायदा हुआ है, महंगाई वैसी, ये सब चीजों को जब तक अगर विपक्षी दल साथ नहीं ले जाएंगे तब तक उनको फायदा नहीं मिलेगा। किनार हो जाते हैं और मुद्दों से हटकर चुनाव होता है, और संकेत बिल्कुल साफ है कि 2019 में भी ऐसा होने वाला है, तो एकजुट कैसे हो पाएंगे? देखिए, मेरी सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य ये होता है जो मैंने अभी बोला कि बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से इनको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एंगेज कर लिया है। फर्क आप देख रहे हैं, शशिकांत तिवारी जी दहाड़ रहे हैं, बाकी के मेरे दोनों मित्रों के मतलब इतने सुस्त बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, आप देख रहे हो कि जी हम 2019 जीत लेंगे, यूपी जीत लेंगे, सुन लीजिए, छोटी छोटी जीत और हार, अभी आप बोल रहे थे कि बाई इलेक्शन हम जीत गए, बाई इलेक्शन जीतने पे आपका मोरल इतना हाई हो जाता है, सर ये छोटी छोटी हार और जीत इतने बड़े जीत में और फर्क में परिवर्तित हो जाती है। आपसे करबद्ध निवेदन, सर आप मुझे ये बताइए, आप आपको मुबारक हो, हम इस बहस को करने के आदि नहीं, मुझे, नहीं। सर, अरे हम सर, अपनी बारी पे बोलते हैं, लेकिन इस तरीके की राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और प्रशिक्षित राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरीके के अनर्गल आरोप उचित नहीं है। अनर्गल आरोप नहीं सर, क्यों आपकी पार्टी के साथ में नहीं है? मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हार भी कांग्रेस को अंग्रेज नहीं हताशा में कर पाए, तो ये अंग्रेज के दलाल के हताशा में कर पाएंगे? अरे सर, लोग अपने घर वालों से ही आते हैं, अंग्रेज बाहरी थे, अब घर वालों ने कांग्रेस को हताश कर दिया। चलिए ठीक है सर, तो सर आत्ममंथन की जरूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी, आप सभी मेहमानों का, पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एके मिश्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल हफीज गांधी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शशिकांत तिवारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र राजपूत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी को आज मुस्कुराने का मौका मिला है, तो इसलिए वो सीना चौड़ा करके मुस्कुरा भी रहे हैं और जीत की होली भी खेल रहे हैं। अब वक्त कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का है, लेकिन क्या वो पुरानी रणनीति के हिसाब से ही चलेगी या फिर कुछ नया क्लेवर दिखाई देगा? फिलहाल मुद्दे की बात में मेरे साथ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।